ऐसे ही बोलते हैं, प्रमाण दें, तो हमारे पास प्रमाण है। और प्रमाण का जिस यही है कि 11 एवं 12 के शिक्षकों का दस्तावेज सत्यापन, जिसको डीवी कहते हैं, कि दौरान कुल 1698 अभ्यर्थी अजोग पाए गए हैं, जिसकी सूचना सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। परीक्षा फल के पहले जब दस्तावेज डीएवी का सत्यापन जो हुआ, तो अयोग्य पाए गए थे उनमें घोषित योगदान करवाया जा रहा है, यानी कि जो अयोग्य पाए गए थे उनको भी घोषित किया गया, जो ये प्रमाण है। और डीएवी कहते हैं सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो हमारा कहना है कि हर परीक्षाएं में कम से कम 5% से 10% लोग अनुपस्थित रहते हैं। यहाँ क्या है, इस परीक्षा में जब लाखों लोग दिए हैं तो मात्र 125 या 126 अब्सेंटी बताए गए हैं, जो एकदम असंभव है। अगर एक केंद्र पर एक भी अब्सेंट होंगे तो बिहार में कितने केंद्र थे, तो हजारों केंद्र पर तो कम से कम उतना तो अब्सेंट भी माना जाता, लेकिन उतना अब्सेंट नहीं माना गया है। एक चीज़ है, इसके आधार पर भी हम कर रहे हैं। और दूसरा है कि परीक्षा के अनिवार्य विषय में अनुपस्थित एवं असफल अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 150 दिखाई गई है, जो अभी हम कहे हैं, जबकि वास्तविक रूप में इससे कहीं अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में अनुपस्थित थे, जिसकी चर्चा हम पहले कर दिया। ये भी प्रमाण है, आपके यहाँ दस्तावेज है, आप देखिए कितने लोग हुए हैं, कितने अनुपस्थित हैं और कितना कौन अनुपस्थित आप बताए हैं। फिर ये कहा गया है कि जो परिणाम आ गया है परीक्षार्थियों का, उनको ORM में कई महत्वपूर्ण कॉलम नहीं भरे हैं, लेकिन उनको भी योग पाया गया है। और परीक्षा फल के बाद अभ्यर्थियों के परीक्षा के बारे में भरे गए फॉर्म एवं दस्तावेज का जो संशोधन का अवसर दिया गया है, ये क्या है। नियम है कि परीक्षाएं होती है, परीक्षा फॉर्म भरा जाता है, जिनका फॉर्म ठीक नहीं होता है उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। अब आप यहाँ रिजल्ट घोषित हो जाने के बाद उनके दस्तावेज को पुनः वाप वेरिफिकेशन करवाते हैं और सत्यापित कराते हैं, ये क्या मतलब है। इसमें कहीं ना कहीं अनियमितता की बू आती है। और उसी रूप में हमारे लोगों ने जो दिया है कि डेट ऑफ बर्थ के बारे में बोला है, उसमें एक जगह बात आई है कि STET 2019 के एडवर्टीजमेंट संख्या 100 की कंडिका संख्या 7 का एवं 9 में अभ्यर्थी को भारत के नागरिक के साथ साथ बिहार राज्य का नागरिक होना जरूरी बताया गया है। इसका उल्लंघन करते हुए सीरियल नंबर से कहा जाए दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को सेलेक्ट किया गया है, तो ये अनियमितता नहीं है तो क्या है। इसी को हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये किया गया है। दूसरा चीज में है कि STET 219 में सम्मिलित होने की आयु 1898 के पूर्व की थी, जबकि इसके बाद जन्म लिए अभ्यर्थी मेधा सूची में शामिल किए गए। समझी गई बात हमारी, कि हमारी बात ये नहीं है STET 2019 में सम्मिलित होने की आयु 1898 की पूर्व की थी, एडवर्टीजमेंट की बात थी। और इसमें बहाल किया गया है उसके बाद में जन्म लिए हुए लोगों को मेधा सूची में शामिल किया गया, ये प्रमाण नहीं तो और क्या है, एक चीज़ है। और इसी तरह से हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंट है जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लोगों को देंगे और उसमें बताएंगे। सबूत है हमारे पास कि काफ़ी धांधली हुई है, इस धांधली को सुधार करना चाहिए। और सुधार करने के बजाय फिर सुनते हैं कि डेट उन्होंने तय कर लिया है कि अमुक डेट से परीक्षा होगी, तो कि मेरा कहने का मतलब कि जिस प्रकार से पहले परीक्षा आप लिया है उसी प्रकार से फिर परीक्षा लीजिएगा, उसी पर क्या है कि अनियमितता होगी। इसीलिए हम समझते हैं कि यह अन्याय हुआ है। और एक चीज़ और है, माननीय उच्च न्यायालय पटना का आदेशानुसार बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में TRE एडवर्टीजमेंट 26/2023 के में सिर्फ संगीत विकास विषय के अभ्यर्थियों को STET 203 में उत्तीर्ण प्रमाण पत्र जो वेरीफाई कॉपी का योग माना गया है, माने उस डेट के बाद माना गया है,
और बाकी सबको नहीं माना गया है, लेकिन इसी संगीत टीचर के जो अर्हता दिखलाई गई है उसी के अनुरूप मान करके दूसरे को भी दिया गया है। उसमें देखिए अनुरंजक 12 में उसका नाम दिया गया है, और फिर ये भी मान लिया कि सत्यापित किया गया है जिसमें NCA या EWA या डोमेस्टिक सर्टिफिकेट 12/7/23 के बाद का है। ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना विभाग के ढुलमुल नीति या योग अभ्यर्थियों को नुकसान पहुंचाने गया है। हमारा कहने का मतलब है कि काफ़ी है और इसी में हम लोग इसको जोड़े हैं और जोड़ करके दे रहे हैं, और पूरा एक सबूत है और इसकी जांच हो, और ये जांच होने के बाद यानी इसका फलाफल आने के बाद ही कोई नई परीक्षा ली जाए, ये उचित होगा। और नहीं तो पहले परीक्षा ले जाने का मतलब है कि आप लिपापोती पहले भी किए हैं फिर भी लिपापोती किए हैं, ये हमको इस समझ में बिहार सरकार 118 लड़के का लगातार ऐसा कभी हो सकता है कि सभी लड़का उसमें सब पास कर जाए? इसका मतलब है कि सेंटर मैनेज था, और मैनेज का मतलब है कि पैसा देकर के लोग मैनेज किए हैं, तो गरीब आदमी जिसके पास पैसा नहीं है उसका तो मैनेज नहीं हुआ होगा, वो असफल हो जाएगा। तो इस तरह की धांधलियाँ वहाँ हुई है, इसलिए पूरा प्रमाण पत्र के साथ हम बोले हैं, और जो कह रहे हैं कि प्रमाण की बात है तो हमारे हाथ में दस्तावेज है, ये दस्तावेज हम पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज रहे हैं, वो उससे प्राप्त कर लें और संतुष्ट हों। 2 तारीख को नियुक्ति बातें गलत है, अगर बांटते हैं तो गलत बांटते हैं, नहीं बांटना चाहिए। ये जो हम दे रहे हैं हम मुख्यमंत्री को भी भेज देते हैं और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को भी भेजते हैं, इसको आप जाँच कर लीजिए, उसके बाद जो काम करना होगा। नियुक्ति पत्र नहीं बांटना चाहिए? नहीं बांटना चाहिए। जब धांधली का जो पूरा प्रमाण पत्र मांग रहे हैं और प्रमाण पत्र जब हम दे रहे हैं तो उसकी जांच पहले हो जानी चाहिए, और फिर उसी प्रकार की परीक्षा आप लीजिएगा तो जिस प्रकार से पहले गड़बड़ी किए हैं तो फिर गड़बड़ी वही कीजिएगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए।